हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे सभी लोग? वेलकम टू एजुकेशन एवेन्यू रिव्यू जोन। लाइक गाइस, यू पीपल आर वेरी मच टेंस्ड विच कॉलेज इज गुड एंड कौन सा कोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा जगह पे जाएं, इस कोर्स के लिए कौन सा स्टेट बेटर होगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, कौन सा ब्रांच बेस्ट होगा। सो गाइस, आज हम लोग फिर से एक कॉलेज के साथ है, उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे और देखेंगे कॉलेज कैसा है। लाइक HKVK के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। HKVK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में है। गाइस, दिस इज HKVK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बट दिस इज HKVK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज देयर इन कर्नाटका बेंगलुरु। अब हम बोलेंगे लाइक HKVK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज डिग्री, PUC एंड इंजीनियरिंग तीनों कुछ है इनके पास। इट मीन्स आफ्टर 10th अगर आप HKVK एक बार ज्वाइन करते हैं तो आप एक ही बार प्लेसमेंट लेके निकलेंगे, बिकॉज लाइक आपके लिए PUC यानी 12th भी है, उसके बाद डिग्री के लिए भी है, बैचलर डिग्री हो, नॉर्मल डिग्री हो एंड मास्टर डिग्री के लिए भी है। लाइक पूरी अपॉर्चुनिटी HKVK ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग आपको प्रोवाइड करती है आफ्टर 10th। आफ्टर 10th के बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना अगर आप HKVK ज्वाइन कर लेते हैं तो, टिल प्लेसमेंट। गाइस, अब हम बात करेंगे HKVK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैसा है और क्या है, डिग्री कैसा है इसका और इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा है, ठीक है। लाइक दिस इज अप्रूव्ड बाय AICTE, अप्रूव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, NAC भी अप्रूव्ड है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, सभी तरह का एफिलिएशन है, नो प्रॉब्लम गाइस। BTEC के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था। इट मींस 23 सक्सेसफुल ईयर्स HKVK का पूरा हुआ है। मतलब अगर आप सोचे कि बीटेक की लाइक ऑलमोस्ट 5 बैच 6 बैच ओवर, नाउ 6 बैचेस ओवर, ऑलमोस्ट 6 बैचेस ओवर हो गया 23 इयर्स में, तो लाइक 23 इयर्स पुराना कॉलेज है आपका ये HKVK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, HKVK कॉलेज ऑफ डिग्री और HKVK कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 23 इयर्स ओल्ड। AICTE, NAC, UGC अप्रूव में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लाइक कर्नाटका में अगर देखा जाए तो इसका रैंकिंग 7th रैंक पे आता है आउट ऑफ टॉप 10 HKVK प्लेस इन 7th रैंक। अगर आप टॉप 100 कॉलेज इन इंडिया देखें देन इसका रैंकिंग है 54th रैंक पे, 54th रैंक पे है HKVK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कब? जब आप टॉप 100 कॉलेज देखिएगा पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए, तो द रैंक इज 54th रैंक इन ऑल इंडिया HKVK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। गाइस, MBA डिग्री, BCom, BBA, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, इवन मेडिकल, सम BPT एंड ऑल दोस थिंग, BSc एग्रीकल्चर, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। AICTE एंड ऑल अप्रूवल इज ऑल्सो अवेलेबल, बिकॉज मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम आपको, किसी भी कॉलेज में जाने से पहले उसका अप्रूवल देखना है, आपको प्लेस प्रोवाइड कर रही है नहीं, बिकॉज प्लेसमेंट डिपेंड ऑन यू। कॉलेज आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, प्लेसमेंट नहीं देती है, वो आपको एक अच्छा नॉलेज देती है, अच्छा एजुकेशन प्लेटफॉर्म देती है, अच्छा इन्वायरमेंट देती है, आपको सिर्फ वो चाहिए। प्लेसमेंट आप बनाते हो, प्लेसमेंट आपसे बनता है, कॉलेज नहीं बनाती वो। सो गाइस, HKVK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सभी कुछ है, अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉप 7 कॉलेज इन कर्नाटका है एंड 54th रैंक, टॉप 100 कॉलेज इन इंडिया। सो गाइस, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, कुछ भी डिमेरिट है क्या, इसको हम देखेंगे, इसको हम रिसर्च करेंगे और पता करेंगे क्या प्रॉब्लम है। लाइक गाइस, सभी कोर्सेज हैं यहाँ पे, बीटेक का CSE, मैकेनिकल, ECE, एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट वन थिंग डिफरेंस क्या है, NBA, मैंने बोला था सर जी AICTE, UGC और आपका ये NAC NBA होना चाहिए, इतना AICTE, UGC एनफ है किसी भी कोर्स को वैलिड होने के लिए, अप्रूवल होने के लिए और एक सही प्लेटफॉर्म होने के लिए। बट NAC NBA भी एक अलग स्टेज है, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। सो गाइस, NBA के लिए इनका अप्रूवल सिर्फ ECE को मिला है, सिर्फ ECE ब्रांच को मिला है अप्रूवल NBA के लिए। रहा बात CSE मैकेनिकल सिविल का, तो अभी प्रोसेस में है, नेक्स्ट ईयर और कमिंग ईयर्स में उसका भी अप्रूवल इनको मिल जाएगा, बट राइट नाउ ओनली NBA विथ ECE, ठीक है। ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, बट स्टिल
सभी कुछ है तो एनबीए भी इनको मिल जाएगा, वो कोई मिलना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक कोर्स में मिल गया तो आगे भी मिल जाएगा। कमिंग ईयर्स में इनका प्रोसेस ऑलमोस्ट हो गया है, कमिंग ईयर्स में इनको सीएसई मैकेनिकल और जो भी कोर्सेज हैं सभी के लिए इनको अप्रूवल मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, लाइक एचकेवी के ग्रुप ऑफ म्यूचुअल एक ऐसा है, बिकॉज आफ्टर टेंथ अगर आप एक बार जाते हैं, यू आर गोइंग विथ एचकेवी के आफ्टर टेंथ ओनली, या लाइक एवरीथिंग इज अवेलेबल, डिग्री कोर्सेज, इंजीनियरिंग प्लेसमेंट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मीन्स आफ्टर टेंथ अगर गए तो प्लेसमेंट लेके ही निकलना है, जॉब लेके ही निकलना है, पूरी लाइफ की गारंटी, लाइक कोर्सेज है, सब कुछ है। मैं गारंटी नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज गारंटी इन द सेंस की नॉट लाइक दैट कि सबका मल्टीनेशनल कंपनी में ही प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा एजुकेशन का, आप नॉलेज ले सकते हो वहाँ से अच्छे से अच्छा। बाकी प्लेसमेंट सर मैंने बोला है कॉलेज नहीं देती है, वो आप लेते हो, कॉलेज एक प्लेटफॉर्म देती है। और एचकेबी की कॉलेज बैंगलोर के मेन एरिया में है, लाइक यू कैन से लाइक नॉट इन साइड वे, सो यू कैन से एचकेबी की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लाइक इंजीनियरिंग में विजिट बहुत होता है कंपनी का, 200 प्लस कंपनी विजिट करती है। इनका कोलेबोरेशन फॉर प्लेसमेंट इज लाइक अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे कुछ अच्छी कंपनीज है जो कि यहाँ पे आपके प्लेसमेंट के लिए आती है, प्लेसमेंट के लिए आती है। सो गाइस, एंड वन मोर थिंग, इनका फी स्ट्रक्चर 60,000 टू 2 लाख, मींस ये भी आपके लिए अफोर्डेबल फीस है, 60,000 टू मैक्सिमम 2 लाख है, मैक्सिमम 2 लाख। और लाइक आपके लिए जो पैकेज होता है, मैक्सिमम पैकेज इनका 16 लाख का पैकेज है। और सबसे अच्छी बात जो है, सभी कॉलेज लिखते हैं 100% प्लेसमेंट, वन कॉलेज इन कर्नाटका लाइक एचईबी की कॉलेज, दे आर पुटिंग 91% स्टूडेंट यहाँ पे प्लेसमेंट ले लेते हैं, 91% प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो लाइक ये चीज़ थोड़ी सी मतलब अच्छी लग रही है कि सभी लोग 100% लिखते हैं, 91% लिखे, कुछ तो जेन्युइनिटी होगी। बाकी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, प्लेसमेंट डिपेंड ऑन यू सर, 100% ये वो डिपेंड लिख देने से नहीं होता है, डिपेंड ऑन यू, आप कैसे पढ़ रहे हो और आप कैसे यूज कर रहे हो उस चीज़ को। दिस इज कॉलेज आपको प्लेटफॉर्म दे रही है कि नहीं, दिस इज मैंडेटरी। कंपनी आ रही है कि नहीं, दिस इज मैंडेटरी। प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस डिपेंड ऑन यू। आपसे बेटर अगर कोई है तो उसको लेके जाएंगे, वो क्यों आपको लेंगे। बट प्लेटफॉर्म अगर दी, अपॉर्चुनिटी अगर दी, अपॉर्चुनिटी इज मेन थिंग। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो आप कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज होते हुए भी बिना विदाउट अपॉर्चुनिटी हम लोग कुछ भी नहीं है, नथिंग। सो गाइस, दिस ऑल लाइक वी कैन से एचकेबी की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में था। अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए। और अगर किसी भी कॉलेज में हमारा जो भी कोलेबरेशन है कॉलेजेस में, वो कॉलेज एजुकेशनल अवेन्यू स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए रेडी है। हेल्प इन द सेंस, अगर आपका 12th का मार्क्स अच्छा है, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप एडमिशन एजुकेशनल अवेन्यू की तरफ से मिलेगा। और कॉलेज भी आपको हेल्प करेगी एजुकेशन एवेन्यू की तरफ से स्कॉलरशिप मेरिट सीट लेने का, ठीक है। नो नीड टू गो विथ डोनेशन एनीवेयर, गो विथ मेरिट, ठीक है। तो लाइक एचकेबी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारे साथ है आप लोगों को हेल्प करने के लिए, इसीलिए हमने आज एक रिव्यू बनाया कि आप लोग देखिए कैसा है कॉलेज, क्या है। बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट, एफिलिएशन इज देयर, एवरीथिंग इज परफेक्ट ओनली। सभी कुछ परफेक्ट नहीं होता है सर कहीं पर भी, तो ये चीज़ है। यहाँ पे आपको बता दिया मैंने, टॉप 7th रैंक है इसका, टॉप 10 बेंगलुरु में, एंड इन 100 रैंकिंग इन ऑल इंडिया 54th रैंक है एचकेबी की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। यहाँ पे बीकॉम, बीसीए, बीबी, एवरीथिंग इज अवेलेबल सर, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो लाइक नैक एनबीए मैंने बता दिया आपको, प्रॉब्लम क्या था, एनबीए सिर्फ ईसीई को मिला है, बाकी सभी को भी मिलना बाकी है। सो लाइक कमिंग ईयर में वो भी मिल जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके पहले आपको बाकी सारे चीज़ें अट्रैक्टिव हैं और काफ़ी अच्छा है। और लाइक इनका रेटिंग भी 4.6 है आउट ऑफ 5 इन कैरियर 360 और सो मेनी थिंग, लाइक कॉलेज दुनिया यू कैन से, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इनका रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है। और आपका फी रेंज भी 60,000 टू 2 लाख है, इट इज़ गुड। 23 ईयर्स हो गया एचकेबी की कॉलेजेस का, 23 सक्सेसफुल ईयर्स। और ये 70 एकर्स में फैली हुई है बेंगलुरु में, और ये मेन कैंपस लाइक
मैंने बोला मेन बैंगलुरु में एस्टैब्लिश्ड है एचकेबीके कॉलेज, सो कंपनी विजिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, 200 प्लस कंपनीज आती है, इट मीन्स अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, डिपेंड ऑन यू। ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन, प्लीज कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी डाउट हो तो, एंड अगर आपको कोई कॉलेज से चाहिए लाइक रिव्यूज़ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस कॉलेज का रिव्यू चाहिए, वी विल गिव यू। एंड एजुकेशनल एवेन्यू फ्री कैरियर काउंसलिंग इज गोइंग ऑन, और गाइज इट्स नॉट लाइक द ऑडियो, इट इज ऑनलाइन, आप इंटरेक्ट होके बात कर सकते हैं, बिकॉज हमारा लाइव क्लास प्लेटफॉर्म भी है, कैरियर काउंसलिंग भी है, सभी कुछ अवेलेबल है हमारे पास। सो गाइस, आप लाइव हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं कैरियर काउंसलिंग के लिए, कैरियर गाइडेंस के लिए, बिकॉज आपको इस समय गाइडेंस मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका बहुत बड़ा स्टेप है आफ्टर ट्वेल्थ, बिकॉज आप किसी कोर्स में जा रहे हो तो 4 साल 5 साल का कोर्स है, तो इट इज लाइक आपको बेस्ट और आपका किसमें इंटरेस्ट है वो चूज कीजिए, उसके बाद कॉलेज, फर्स्ट कोर्स देन डिसाइड अबाउट द कॉलेज, एंड द कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपका इंटरेस्ट है तभी, और हमारी काउंसलिंग, हमारे काउंसलर आपका इंटरेस्ट ढूंढते हैं और आपको बताते हैं कि आपका इंटरेस्ट इसमें है, आपको ये करना चाहिए, अगल बगल दाएं बाएं देख के नहीं कि वो ये किया वो करके मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो आप भी, आप दूसरा कोर्स करके भी मल्टीनेशनल कंपनी ऑप्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे, टेक केयर, कोई भी डाउट हो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, आवर टीम इज अवेलेबल 24/7, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन लिंक डिस्क्रिप्शन, बाय एवरीवन, थैंक यू।